भाई कत्ल तो न्यूज़ इस वक्त कोई नहीं सुरेंद्र जी कोई नहीं ले लो आपका कराला में आए हैं। गांव ने पूरा सहयोग दिया।
अब गुरुकुल में एक भव्य यज्ञशाला बनाई गई है। उस यज्ञशाला में हमने देखा कि प्रत्येक गांव में जो पुराने लोगों ने राजस्थान से लाकर के बड़े बड़े पत्थर के खंभे जिसको थाम कहते हैं वो गलियों में फेंक रखे हैं, जबकि वो बहुत सुंदर है और लंबे चलने वाली चीज़। जब लाए होंगे तब ना क्रेन थी न ट्रेन थी। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि ना उस जमाने में ट्रेन की इतनी सुविधा थी और न क्रेन की सुविधा थी, और तब लोग ऊंट गाड़ियों पर बैलगाड़ियों पर लेकर के उन्हें राजस्थान से आए होंगे, और अब लोगों ने उन्हें ऐसे फेंक रखा है जैसे इनका कोई मूल्य नहीं है, निरर्थक। तो सबसे पहले हमने वरुण जी से, प्रदीप जी आदि से सबसे कहा, भाई ये थाम हमें चाहिए। इन्होंने कहा जी इसका क्या करोगे, तो सब बेकार है। हमने कहा इनका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। तो इन्होंने कराला में निकले ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, इन्होंने 10-12 थाम इस गांव से कितने किए थे, 24 थाम इस गांव से इकट्ठे किए। फिर कुछ उसमें और चाहिए थे, उसमें कुछ टूट फूट हो रखी थी, तो कुछ कुतुबगढ़ से, कुछ जसोर खेड़ी से हम लेके आए। और अब जब आप गुरुकुल में यज्ञशाला के उद्घाटन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना बढ़िया उपयोग जो है वहाँ किया गया। यज्ञशाला के जो बाहरी परकोटा होता है बरामदे से बाहर, वहाँ उन सबको लगाया गया है। उससे यज्ञशाला की सुंदरता जो है अपने आप क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्योंकि सीमेंट के पिलर तो सभी जगह लगे हैं लेकिन उनका एक अपना अलग महत्व है। तो सबसे पहले हम आपके पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं कि जब भी कोई आवश्यकता होती है और गुरुकुल कराला से सहयोग मांगने के लिए निकलता है तो पूरा गांव उस समय गुरुकुल का सहयोग करता है, कोई भी पीछे नहीं रहता। इसके लिए पूरा गांव, पूरे गांव के निवासी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। दूसरा, आज आपके ही गांव की सीमा में निवास करने वाले श्रीमान सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और जैसे इनसे पीछे चर्चा हुई थी, इनके पिताजी ने भी अपने जीवन काल में भूमि दान दिया था। तो संस्कार कैसे बनते हैं और कैसे पढ़ते हैं ये इसका साक्षात उदाहरण है। और इन्होंने भी अपने पिताजी की आर्य समाज के स्कूल के लिए भूमि दान किया था, और उन्हीं संस्कारों की बदौलत, उन्हीं संस्कारों के प्रभाव से आर्य सुरेश चंद्र जी ने अपने जीवन में जो कुछ कमाया उसमें से ये दान निकालना सरल नहीं होता। और वे कोई पंजाबी बाग में रहने वाले सेठ नहीं है। हम गए हैं पंजाबी बाग में भी कई बार गुरुकुल की सहायतार्थ लोगों के पास, लेकिन जितने बड़े ऊंचे महल और फीके, वो आपने पढ़ा होगा ना पहले, ऊंचे मकान फीके पकवान वाला उदाहरण चरितार्थ हुआ। लेकिन जब हम आर्य जी के पास गए तो आपको सत्य बताएं तो सब लोगों का ये था कि चलो जैसा सहयोग हम सबसे ले रहे हैं ऐसे आर्य जी से भी लेंगे। तो जैसे हमने बात रखी तो इन्होंने बीच में ही बात रोक दी और बोले, भाई मेरे मन में एक संकल्प है कि मैंने 2.5 लाख रुपए गुरुकुल के लिए पहले से संकल्प करके रखे हुए। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति साधन और धन के बल पर दान नहीं करता, मूल होती है भावना। अगर दान करने के लिए भावना है तो गरीब व्यक्ति भी दान कर देता है, और अगर भावना नहीं है तो अरबपति हो जाए या सारा भूमिपति हो जाए, सारा देश कब्जे में कर ले, तो भी वो किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होता। हम सब सुनते हैं, समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े दानी देश में हुए हैं। कहते अंग्रेजों के जमाने में क्या नाम था जी उनका, बोले भाई सब अपना दान इकट्ठा कर लो और जितना सबका मिल के होगा उतना मैं अकेला करूंगा। नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है जी, भामाशाह। और मुगल काल में भामाशाह ने बहुत अच्छा दान दिया। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई
स्वामी श्रद्धानंद ने जब उससे पहले गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, तो ये सारे संस्थान देश के दान पर चले। उसके उपरांत स्वामी श्रद्धानंद जी के और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के उपरांत अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई और उन सब संस्थाओं का निर्माण दान से हुआ। आपके क्षेत्र में भी जो गुरुकुल टटेसर है, ये इस क्षेत्र का पहला शिक्षा संस्थान है ऐसा बताया जाता है। इससे पहले क्षेत्र में शिक्षा संस्थान नहीं था, तो वो भी किससे बना था? दान से। आज भी चल रहा है किससे? दान से। लेकिन धीरे धीरे समाज की प्रवृत्ति ये होती जा रही है कि अब जब से प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला हुआ है, तो सभी अपने अपने बच्चों के लिए फीस देते हैं, और जब फीस देते हैं तो सोचते हैं जब शिक्षा मोल मिल ही रही है तो वो जो दान देने की प्रवृत्ति थी वो समाज में धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है कि आपके क्षेत्र के चारों तरफ चर्च बढ़ते जा रहे हैं, मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आर्य समाज गुरुकुल जिससे समाज को एक दिशा मिलनी चाहिए वो ह्रास की तरफ है। यदि सब लोग प्रयत्न करें, आज बहुत बड़ा चर्चा का विषय है देश में कि सनातन धर्म की रक्षा, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा होगी कब? उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब हम पहले सनातन धर्म को जानेंगे। यदि हम सनातन धर्म को नहीं जान पाए तो हम सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। वर्तमान में सनातन धर्म का जो स्वरूप हमारे सामने बताया जाता है प्रवचनकारों के माध्यम से, वो कितना सनातन है ये आप कभी स्वयं विचार करना। बहुत सारे भगवान तो ऐसे हैं जो हमारे सामने प्रकट हुए हैं, आपके जीवन काल में प्रकट हुए हैं, पहले नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके हमारे जीवन काल में लुप्त हो गए, पहले थे। यानी भगवान भी बदल रहे हैं, देवी देवता बदल रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो क्या ये सनातन है? या सनातन वो है जिसको राम भी अपने जीवन में अपनाते थे, कृष्ण भी अपने जीवन में अपनाते थे, और उनके पूर्वज भी अपनाते थे, और आज भी वो उतना ही जरूरी है। तो हमारी दृष्टि में सनातन वो है जिसको वे भी स्वीकार करते थे, उनके लिए भी आवश्यक था, आज भी आवश्यक है, और भविष्य में भी आवश्यक रहेगा। उसको कोई धरा से मिटा नहीं सकता, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, क्योंकि कम ज्यादा करना आपके हमारे हाथ में, मिटाना हमारे हाथ में नहीं, हम मिटा भी नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार का मजहबी उन्माद मुस्लिम मजहब की तरफ से, ईसाई मजहब की तरफ से फैलाया जा रहा है, उसका भी एक ही समाधान विश्व के पास है। विश्व की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारत की नहीं। और वो समाधान क्या है बोलो जी? सनातन। ना अमेरिका के पास कोई समाधान है, ना जापान के पास, ना जर्मनी के पास, ना चाइना के पास। अगर विश्व को इन समस्याओं से मुक्त होना होगा किसी दिन, तो उन्हें सनातन की शरण में आना पड़ेगा। और सनातन की शरण में वो आए और उन्हें यहां भी कोप लीला मिले तो भी उनका उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए और एक बात बहुत ग्रहण करने योग्य कि लोग कहते हैं भाई सबने अपने अपने मत पंथ चलाए, तो ऋषि दयानंद ने भी अपना चलाया। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश आप जब पढ़ेंगे, तो ऋषि दयानंद ने किसी भी पंक्ति के साथ ये नहीं लिखा है कि मैं इस बात को कहता हूं इसलिए तुम मान लो, बल्कि उन्होंने जो सनातन ऋषियों के प्रमाण हैं उनको उद्धृत करके पुस्तक में कहा कि देखो ऋषियों ने यहां ये बात कही है, यहां ये प्रमाण दिया है, यहां धर्म का ये प्रमाण है।
अपने मन की मनगढ़ंत बातें उन्होंने कहीं प्रस्तुत नहीं की, अपने से पहले के ऋषियों की बातें उद्धृत की जो हमसे छूट गई थी, पराधीनता के काल में जो हमसे दूर कर दिया गया था सत्य, उस सत्य को उद्घाटित करने का काम ऋषि दयानंद ने किया है। इसलिए आर्य समाज कोई मत पंथ मजहब नहीं है, आर्य समाज कोई एक व्यक्ति के द्वारा थोपी गई मान्यता नहीं है, आर्य समाज हमारे प्राचीन ऋषियों की मान्यताओं का एक स्पष्ट उल्लेख करने वाला संगठन है। और इसलिए हम सबको आर्य समाज की विचारधारा के साथ जुड़ करके अपने इस समाज को एक रस करना चाहिए, क्योंकि यही सनातन है। और संसार में कोई आकर के दावा कर ले सनातन के नाम पर, कोई खड़ी तिलक के पीछे लड़ रहा है, कोई पड़ी तिलक के पीछे लड़ रहा है, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा, और सब अपने अपने को सनातन कह रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं सब मिलकर के बैठे, जो सनातन है उसे स्वीकार करें और जो सनातन नहीं है उसे छोड़ दें, लड़ाई बखेड़ा खत्म, तब आप दूसरों का सामना कर पाएंगे, अन्यथा आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे और दूसरे आपके ऊपर साम्राज्य करेंगे, पहले भी किया है। तो हम सब समाज के लोग जागृत हों और आर्य समाज के साथ जुड़े, सनातन को जाने समझे। और जो बार बार आपके सामने बात आ रही है कि दो दिन का लघु गुरुकुल, उसके लिए मैं आपको गुरुकुल की तरफ से निमंत्रण देता हूं। आपके पास प्रत्येक मास सेकेंड सैटरडे और संडे, दूसरा शनिवार और रविवार को गुरुकुल में दो दिन की कक्षा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि जो छात्र पढ़ रहे हैं वो बड़ा सिलेबस है, 12 वर्ष 13 वर्ष लग जाते हैं, आगे पीएचडी तक जाए तो 25-30 वर्ष लग जाते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन समाज में जो व्याप्त है मान्यताएं, उन मान्यताओं को ठीक ठीक वेद के अनुसार कैसे प्रचारित प्रसारित किया जाए। हम सब जो पढ़ लिख करके विद्यालयों में आगे निकल गए, अब गुरुकुल में भर्ती तो हो नहीं सकते कि 25-30 वर्ष और पढ़े, तो हम सबको भी उन मान्यताओं का पता होना चाहिए। इसके लिए एक कैप्सूल कोर्स, एक छोटा पाठ्यक्रम बनाया गया है, आप सब लोग उस दो दिन के पाठ्यक्रम में अवश्य भाग लें, सत्य असत्य का निर्णय करें, सनातन को जाने, उसको माने और तब उसकी रक्षा करें, तभी रक्षा होगी, अन्यथा रक्षा कहने से या हथियार उठाने से होने वाली नहीं है। तो आप सबका सादर निमंत्रण है। और माननीय अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने एक निर्व्यसनी जीवन, एक शुद्ध पवित्र जीवन जिया, और उसी के आधार से एक बात मैं जरूर कहूंगा आपसे कि व्यक्ति के पास धन कब होता है कि वो दान दे। कमाते तो सब हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ हमारे खर्चे इतने हो जाते हैं, सामान्य सी एक उंगली बराबर की बीड़ी पीने वाला आदमी भी अपने जीवन में करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच जाता है। अरे देवेंद्र जी तो हिसाब रखते हैं उसका कि इतने दिन में इतनी बीड़ी, इतने दिन में इतने बंडल, इतने दिन में इतनी माचिस, बोले इतना बना, इतना टोटल कितना है, 88 लाख। मैंने आपको कहा ना 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, इतना वो सिर्फ धुएं में उड़ा देता, बदले में रोग अपने भीतर ले लेता और मिलता। हाँ वो सब मिला के, तो आप सोच लीजिए कि हम सब दानी हो सकते हैं अगर हम निर्व्यसनी हैं, अगर हम दुर्गुणों में नहीं फंसे हैं, तो इतना पैसा तो अपने आप बच जाएगा और जो बचेगा उससे हम संसार का उपकार कर सकते हैं। आपका जीवन निर्व्यसनी रहा है, एक स्तुत्य जीवन रहा है, इसलिए आप आज दान देने में सक्षम हुए हैं। हम सभी आपकी ओर से भी, आर्य समाज कराला की ओर से भी और गुरुकुल परिवार की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। और आप सभी ने भी समय दिया, इसके लिए आप सबको